नमस्कार दोस्तों, एपीजे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने पास ही एक बजाज नहीं उषा कंपनी का इंडक्शन आया हुआ है। तो ये देखिए, इंडक्शन तो ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चल नहीं रहा है, कंपनी ठीक है इसकी। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये आप लापरवाही करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखिए, अभी तो जैसे ही मैंने इसको चार स्क्रू इसके खोल के बॉडी को अलग किया, वैसे ही देखिए अंदर क्या निकला। अब देखिए, घी इतना सस्ता भी ना कर दें कि ये सब दिक्कत, ये सब दोस्तों घी है। ये देखिए, इसके अंदर सब चला गया है। अब ये लापरवाही है दोस्तों महिलाओं की, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सबकी लापरवाही की वजह से ये सब दिक्कत हो रहा है। अब कैसे चला गया, जैसे गया था, अगर आप वैसे ही तुरंत मैकेनिक को दिखा देते तो ये सब दिक्कत ना होती, चलाया नहीं होता। मान लीजिए गलती से चला गया, मैं कहता हूँ ठीक है, तो इसको चलाइए ना तुरंत, आप जो है कि मैकेनिक को दिखवा दीजिए, तुरंत पावर इसकी बंद कर दीजिए। लेकिन अब क्या किया जाए दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया। अब आइए देखते हैं इसकी समस्या कैसे सही होती है। वैसे कंपनी वालों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि अगर कुछ नीचे चला भी जाता है तो पीसीबी को इतना ऊपर कर दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए, समस्या बस यही थी कि इसमें मेरे हिसाब से दोस्तों इसका मॉस्फेट शॉर्ट होना चाहिए, IGBT। फिर भी देखिए कितनी जो है कि अच्छी व्यवस्था कंपनी वालों ने की है, इतना अलग से सिस्टम बना दिया है, पीसीबी को ऊपर कर दिया हुआ है, अगर कुछ जाता भी है तो बच जाए। तो सबसे पहले तो इस बॉडी को हमको साफ़ करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको निकाल देते हैं बाहर इसको हम, क्योंकि जब तक बिल्कुल साफ़ नहीं कर देंगे तो फिर से जब हीट होगा तो ये गलने लगेगा। जानते हैं घी है तो गलेगा, जाहिर सी बात है, तो फिर से गलेगा तो पीसीबी में इधर उधर जाने के चांसेस हैं, और कुछ अंदर भी रिस्क के मतलब चले गए हैं, ये देख सकते हैं नमी है सब। तो इसको बिल्कुल हम साफ़ कर देंगे, फ़ैन को भी निकाल देते हैं, वाटर से ही धो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धोने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हमको इसको सुखाना पड़ेगा। तो चलिए, इसको हम बाद में कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है जो हमको करना है। और ठीक है, तो इस फैन को निकाल देंगे और इसको वाटर से हम धो देंगे, ठीक है, पानी से, ठीक है। और पीसीबी को ये हम अपने सही करते हैं, देखते हैं पीसीबी में क्या समस्या है, किसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले इस पीसीबी को एक बार हम अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, वैसे साफ़ ही ज़्यादा गंदगी है नहीं, कंपनी वालों की जो है कि उन्होंने इतना ज़्यादा इसको बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए उतना ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ है, ठीक है, और होगा भी नहीं तो हम लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, मिस्त्री लोग आदमी हम लोग समझ रहे हैं बात को, कुछ लापरवाहियाँ अगर नहीं होंगी तो ये सब ख़राब नहीं होंगे, और ख़राब नहीं होंगे तो हम लोग का दिन बैठे बैठे बीत जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग का काम है बनाना तो हम लोग बना रहे हैं। इसको मैं थिनर से साफ़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई नम इसमें हो उसके पार्ट तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको अलग करते हैं, और इसका ये देखिए इस तरफ भी, ठीक है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं पावर लगा के। इसका ये पैनल रहा, पैनल को हमने खोला नहीं है, बस ऐसे ही लगा लेते हैं, जगह ज़्यादा कवर कर रहा है, ठीक है यार, सब ठीक है दोस्तों। आप सबको चेक करके दिखाना है सो मैं दिखा दूंगा क्या दिक्कत निकलती है, आप सब खुद देखिए, क्योंकि अपना जो वीडियो दोस्तों बनाने के बाद नहीं हो रहा है, ये तुरंत जो है कि तत्काल वाला काम है, जो होगा सो आपके सामने होगा। तो मैनेज करते हैं हम लोग, यहाँ इसकी पावर कॉर्ड को लगाते हैं। कभी कभी दोस्तों इसकी जो पावर कॉर्ड होती है कंपनी वालों से कि इसमें नमी जाती है, तो इसमें ये पूरा पूरा पावर में ही इसका पकड़ने पर शॉक लगता है, तो इसको आप कुछ दिमाग लगाइए, सुधार करिए, पकड़ने वाला कुछ सिस्टम बनाइए, तो सावधानी से करें क्योंकि नमी इस पर काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं टेबल पर बैठ के लगा रहा हूँ, क्योंकि टेबल पर बैठने से थोड़ा करंट वगैरह लगने का चांस कम रहता है, ठीक है। ये हो चुका है और पावर मैंने लगा दिया,
लगाने के बाद यहाँ पर ये मैं अपना फ्यूज वाला जो ये है फ्यूज को शॉर्ट करा रहा हूँ, सीरीज में लगाया है तो फ्यूज शायद सही है। ठीक है, फ्यूज सही है, अगर सही नहीं होता तो दिक्कत करता। तो इसका मतलब मॉस्फेट भी सही होना चाहिए, मतलब IGBT जो अपना है उसको भी सही होना चाहिए। अच्छा, 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं ये बन रहा है या नहीं। तो 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करने से पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अपना जो अपना ये कैपेसिटर है इस कैपेसिटर पे सप्लाई। ठीक है, DC में करते हैं 1000 वोल्ट की रेंज पर मीटर को, और ये रहा अपना कैपेसिटर, माइनस प्लस से मिलाते हुए चलते हैं। यहाँ पर ये सप्लाई नहीं है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा है रेजिस्टेंस के पहले। और दोस्तों इसके देखिए यहाँ पर 215 वोल्ट की सप्लाई रही और इस तरफ नो सप्लाई, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। ठीक है, पावर निकाल लेता हूँ टेबल पर बैठ के, क्योंकि दोस्तों शौक से किसको नहीं डर लगता। ठीक है, आप सब भी सावधानी के साथ किया करें। और ये 22 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर रहा, इस रेजिस्टेंस को मैं निकाल रहा हूँ अभी, तो यही फॉल्ट में दिखा रहा है। इसको लगाने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। एक मिनट, ये 200 ओम की मतलब रेंज पे रखा, 200 ओम की रेंज पे मीटर को, ये देखिए ऐसे ये हो गया। एक मिनट, बीप वाली रेंज पे करता हूँ तो आपको और आसानी से समझेगा, बीप में आ गया। ठीक, इसको बीप देना चाहिए, देखिए कोई रीडिंग नहीं है, ये देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है अपने मल्टीमीटर की। तो लगाते हैं एक रेजिस्टेंस 2200 में, ये 2 वाट में है, 1 वाट भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 वाट में है। एक मिनट, ये अपने पास 2200 में 1 वाट में रहा तो इसको लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये देख सकते हैं 22 की रीडिंग लेकर आ गया है ये, और मीटर में बीप भी आ रही थी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया और सोल्डिंग कर लेते हैं। कट कर लेते हैं अपना ये पॉइंट जो ज़्यादा है, ठीक है। और अब आइए लगाते हैं पैनल को, सीधा करते हैं इसको, अब जो होगा सो आपके सामने रिजल्ट देखा जाएगा। लगाते हैं इसको हम डायरेक्ट नहीं, सीरीज में, सीरीज में लगाते हैं पावर, और ये देखिए फिर से जल गया। इसका मतलब इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नमी है, फिर से जलने का रीज़न है कि इसमें नमी बहुत ज़्यादा है और इस कैपेसिटर की जगह से शॉर्टिंग आई हुई है। तो देखते हैं क्या कैपेसिटर में कोई ऐसी समस्या, देखिए तेल का नतीजा है, मतलब घी का नतीजा है बस ये, और कुछ है नहीं। अभी जो कि मैंने इसको हल्का सा साफ भी किया था पीछे से, ये देखिए इसके कैपेसिटर के बीच में अगर देखेंगे आप, ये अपना कैमरा थोड़ा सा कमज़ोर है, बीच में देखेंगे तो बिल्कुल कार्बन टाइप बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको PCB में दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं PCB में देखिएगा तो बिल्कुल बीच में कैपेसिटर के कार्बन टाइप बन चुका है, तो इसको साफ करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि अपना ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस ख़राब हुआ होगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, मतलब कर रहा हूँ अभी भी, और ब्रश से काम ना हो तो इसको आप खुरच दीजिए किसी स्क्रू ड्राइवर से, क्योंकि कार्बन बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों, ये जल्दी जाता नहीं है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल खुरच दीजिए क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक होता है ये, ज़रा सा भी अगर रहेगा तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा कोरोना वायरस की तरह। ठीक है,
मैं इसको साफ कर रहा हूँ, साफ करने के बाद भी दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसको साफ किया है। निशान आपको मालूम होना चाहिए, निशान इतना मत जो कि रगड़ दीजिएगा कि निशान गायब हो जाए, कुछ ना कुछ निशान रहे कैपेसिटर का, नहीं तो आपको फिर मिलाना आना चाहिए किस तरफ से हमारा माइनस प्लस है। ठीक है, सबका सब ये तेल का नतीजा है, मतलब घी का, बहुत ही खतरनाक। अब देखिए ये मैंने कुछ साफ किया, कुछ हद तक माइनस प्लस का निशान आपको दिख चुका होगा, हमारे पे निशान दिया हुआ है, अगर आप पे नहीं दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए पहले से ही। यहाँ पर एक कैपेसिटर मैं लगा रहा हूँ 4.7 450 वोल्ट का, ये कितना नंबर लगा है देखिए मैं देख लेता हूँ, ये लगा है अपना 4.7 450 का ही, और यहाँ पर ये दूसरा मैं लगा रहा हूँ एक, क्योंकि दोस्तों उसके बीच में भी जो है दिक्कत है, और इस कैपेसिटर को थोड़ा सा उठा के मैं लगाऊंगा, क्योंकि पूरा पीसीबी में टच नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा ऊपर रहने दूंगा। ठीक है, इस तरह से, तो मतलब कुछ पॉइंट आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो आपसे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप सब जानते हैं। ये देखिए मैंने इसको सोल्ड कर दिया, और इसके बीच में भी साफ कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, मेहनत काफ़ी हो गई है, अच्छा अब देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स अब निकलता है या नहीं। ठीक है, जो होगा दोस्तों आपके सामने होगा, कहीं छिपाने की बात नहीं है, लेकिन सीरीज में ही लगाएंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सही बीप आई है, शॉर्टिंग अब नहीं है। अच्छा, ऑन करते हैं, अब ऑन हुआ, 120 लिख के आ चुका है, यहाँ से टिक टिक की आवाज़ आ चुकी है जो अपने हीटिंग के लिए सेंस करने लगा है। पलटते हैं इसको हम चेक करने के लिए बस। अब देखिए मैं चेक कैसे करता हूँ, अपना चेक करने का दूसरा ही तरीका, बर्तन नहीं रखता हूँ यहाँ पर, इस मैंने लोहे को रखा और अपना सीरीज बल्ब ऑन हो गया, फिर से ऑन होगा देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, निकल जाओ यार, बैटरी चार्ज लगाई है हमने यहाँ पर देसी जुगाड़ ट्रांसफार्मर से, डायरेक्ट लगा दिया, ऑन करते हैं, ये हीट होने लगा है। ठीक है, ये अपना हीट होने लगा है, वाटर होता तो आपको उसकी बॉयल से मालूम हो जाता कि हीट हो रहा है, तो ऐसे सीरीज बल्ब जल गया तो आप सब जान सकते हैं कि ऑन होने लगा, चलने लगा। देखिए जैसे इसको मैंने रखा, अब ऑन तो कर दिया है, लेकिन सीरीज बल्ब नहीं जलेगा जब तक इस पर कोई सेंस नहीं होगा। देखिए ये हमने यहाँ पे रखा बर्तन, ठीक है, बर्तन रखेंगे तभी ये सीरीज जलेगा, देखिए लोड पड़ेगा ना, देखिए देख रहे हैं, तो अपना इंडक्शन सही है, लेकिन जब तक उस पूरे घी को, ये जो अपना पूरा घी है ये देख रहे हैं आप, इसको हम पूरा साफ़ नहीं कर देते, बिल्कुल वाटर से ही साफ़ कर देते हैं, तो इसको कर देंगे तब उसके बाद हम इसको पैक करेंगे, बिल्कुल इस सूख जाए, धूप में सुखा देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ दोस्तों इतना ही, और हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और इसको बिल्कुल जो ऐसा कर दीजिए कि इसमें वाटर, घी, तेल कुछ भी जाने का चांस बहुत कम बना रहे, और जिनका है उनको भी एक बार सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो आगे से ये गलती ना करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे हम नया टेप लगाएंगे ना, इसलिए इसको हटा रहे हैं।